इसकी आप हमेशा मेरे मुंह से गवाही सुनते हो। मैं बहुत बार मैंने इसकी गवाही दी कि जब ये पैदा हुआ था तो इसके ऊपर कितना बड़ा हालात था, हाँ, पर परमेश्वर ने, जो मैंने उस पर विश्वास किया और परमेश्वर ने मेरी विनती को सुना और ये आज आपके सामने। डॉक्टर कहती थी कि इसका बचना मुश्किल है, समझते हो, पर परमेश्वर महान है, हाँ। और मैं यहां से आपको इसकी गवाही बताता हूं कि जब जी सेकंड क्लास में था तो ये पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था, हाँ। मैं नहीं जानता हूं कि उसका कारण क्या हुआ। जब जी पैदा हुआ था डॉक्टर ने कहा था कि इसके सिर को दब आ गई, शायद हो सकता उसी की वजह से, हाँ। जब हमने इसको स्कूल में दाखिल किया तो ये सेकंड क्लास में था तो इसके स्कूल वाले कहते थे कि इसे हम जो भी सिखाते हैं, इसकी मैम भी कहती थी कि ये तुरंत भूल जाता है, हाँ। फिर हमने इसकी ट्यूशन रखी और जहां पे हमने पहले ट्यूशन रखी वो कहते इसे समझ नहीं आता, हम जो सिखाते हैं ये भूल जाता है, हाँ। फिर एक जगह और रखी, उन्होंने भी यही कहा। फिर तीसरी जगह हमने इसकी ट्यूशन रखी क्योंकि, और वो हमारी जहां पे हम रहते हैं जिस कॉलोनी में, हमारे घर से थोड़ी दूरी मतलब ऐसे घर हैं, तो उन्होंने उनके घर हमने इसकी ट्यूशन रख दी। तो उन्होंने एक महीना इसे, जब हमने बताया कि ऐसे ऐसे इसकी प्रॉब्लम है, तो उसने बड़े विश्वास के साथ साथ कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, हम बच्चे हैं, हो जाता है, देखना आप बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। पर एक महीने के बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए, बाद में कहोगे आपके, हाँ, हम ऐसे पैसे लेते जा रहे हैं और ये तो कुछ भी इसे वैसे का वैसा ही है, हाँ। फिर उसने मेरी मिसेस को ऐसे एक सलाह दी कि जब मेरा बेटा हुआ था तो उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी, तो एक ऐसे ब्रेन का जो डॉक्टर है एक उसने ऐसे बताया, तो हमने, मैंने अपने बेटे को उसको दिखाया था और ये देखो अभी बिल्कुल अच्छा है, तो आप ऐसा करो कि इसे, मेरी मिसेज को उसने कहा कि मैं बता देती हूँ डॉक्टर का एड्रेस, तो आप उसे, इसे वहां पे लेकर जाओ। तो फिर मेरी पत्नी ने मुझसे बात की कि वैसे से बोल रहे हैं कि इसे जो ब्रेन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास इसे लेकर जाए ताकि इसे समझ नहीं आ रही कुछ भी ऐसे, हाँ। तो मैंने भी, जब इसकी ट्यूशन वाली मैम ने मेरी मिसेज से ये बात की तो मैंने कहा ठीक है, बात तो ऐसे ही है, हाँ, क्योंकि हम ऐसे ही स्कूल में भी इतनी फीस दे रहे हैं, ट्यूशन पर भी इतनी फीस दे रहे हैं, तो फायदा क्या है। तो फिर मैंने ऐसे कहा, मैंने अपनी मिसेज को कहा ठीक है हम लेकर जाएंगे, हाँ, लेकर जाएंगे हम। तो मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, क्या कर रहा था, मैं अकेले में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी शुभ इच्छा को हमारे जीवन में ढालता है, क्या डालता है, नेक काम के इरादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपनी शुभ इच्छा को, हर बात को हमारे मन में डालता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि देख, मैंने तेरे साथ होकर आज तक इतने काम किए, बड़े बड़े काम किए तेरे जीवन में किए, जो लोग मैंने तुझे दिए तेरे जीवन से, मैंने उनके जीवन में भी बड़े काम किए, तो क्या मैं इसके जीवन में नहीं करूंगा। परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बात की जब मैं प्रार्थना कर रहा था। तो उसके बाद परमेश्वर ने मेरे मन में लगाया कि ठीक, तू अपनी उन्नति कर रहा है, खुद तो तू अपनी इतनी उन्नति करता है, घंटों मेरे से समय बताता है, पर ये कुछ नहीं करता, इसके ऊपर नेगेटिव पावर का प्रभाव है और कुछ नहीं है। और जब ये बात को परमेश्वर ने मेरे मन में लगाया तो मैंने नेक्स्ट अगले दिन ही इसे स्कूल जाने से पहले मैंने अपनी मिसेज को कहा कि आज स्कूल इसे बाद में भेजना, पहले इसको जल्दी से तैयार करो, इसे आज मैंने इसे अपने साथ प्रेयर में बैठाना, हाँ। तो ये नहा धोकर अपना नाश्ता करके मेरे साथ जब बैठा तो मैंने कहा तू आज मेरे पीछे पीछे, जैसे मैं प्रार्थना करनी है तू मेरे पीछे पीछे बोलना। और जब मैंने इसे पहले दिन अपने
मैंने इसे कहा कि मेरे पीछे पीछे ऐसे बोलो, और जब ये बोलने लगा, अभी अभी 5 मिनट भी नहीं हुए प्रार्थना करते, और ये आज से 2 साल पहले की बात है, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये गवाही तूने क्यों नहीं दी। हाँ, मैंने काम किया है, थोड़े दिन पहले ही परमेश्वर ने मेरे मन में लगाया कि तूने मेरी प्रेज, मेरी महिमा क्यों नहीं की इस बात के लिए। तो ये 2 साल पहले की बात है, और जैसे ही मैं इसे प्रार्थना करा दे रहा था तो 5 मिनट भी नहीं हुए और ये ऐसे बासियां ले रहा। हाँ, जैसे मैं पीछे पीछे बोल रहा हूं, 2 शब्द बोलता, 4 शब्द बोलता, फिर बासियां लेता। हाँ, तो अभी मैंने इसे ऐसे करते जब देखा तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर सच में तू कितना महान है। क्या है, क्योंकि छोटे से बच्चे पर आज से 2 साल पहले की बात, नेगेटिव पावर का इतना प्रभाव था, और उसी नेगेटिव पावर ने इसकी बुद्धि को बंद करके रखा था। क्या रखा था, अगर मैं परमेश्वर के पास उस बात के लिए ना जाता, हाँ, और परमेश्वर अपनी सुविच्छा को मेरे मन में ना डालता, तो पता नहीं शायद, हाँ, हम कितने पैसे फजूल में अपने खर्च करते, फिर शायद पता नहीं पैसे खर्च करके भी बात बनती या नहीं बनती। जैसे आज कुछ लोग ऐसे करते हैं तो कई बार पैसे लगाकर भी उनके बात बनती नहीं, पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का कि मैंने रोज रोज इसे बैठाना शुरू किया, रोज रोज एवरी डे मैं रोज ऐसे प्रार्थना किया, और हर दिन इसका जो नेगेटिव पावर का इसके ऊपर प्रभाव था वो कम होता गया, क्या होता गया, हर दिन कम। और आज ये आपके सामने है, ये बहुत अच्छा पढ़ता है और लिखता है। हाँ, क्या करता है ये, अभी 4th क्लास में अभी कुछ ऐसी चीजें इंग्लिश की हैं, कई बार मुझे भी पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, ये अभी 4th क्लास में है, पर मेरे से अच्छी इंग्लिश जानता है। हाँ, क्यों, क्योंकि मैं जब मैं स्कूल में था तो मैं, हम एक पिंड में थे, गांव में, तो मैं पढ़ा भी पंजाबी स्कूल में हूं, इसलिए क्योंकि खेलने कूदने में मन था, इतना ध्यान नहीं था, ठीक है, तो इसलिए फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद है कि जिसने मुझे भी चुना और ये सारी समझ बुद्धि दी। क्या दी, क्योंकि प्रभु में आने से पहले मैं पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा वीक था, मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया, और आज जो कमी मेरे बच्चे के जीवन में थी उसको भी परमेश्वर ने पूरा किया। क्या किया, और कितने माता पिताओं पिता के जो बच्चे हैं ऐसे, उनकी प्रॉब्लम होगी, क्या होगी, बहुत सारे माता पिता जो हैं उनके बच्चों की प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है, पर जो चीज मैंने की अगर वो भी करेंगे तो परमेश्वर उनकी गति को भी क्या करेगा, पूरा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा अवश्य करेगा, और 100% करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा बुद्धि और समझ और पराक्रम किसकी है, और मांगने वालों को परमेश्वर क्या है, देता है। इसलिए लिखा बुद्धि सोने और चांदी और मूंगे से, मूंगा मतलब संबंध है, डायमंड हीरे से भी उत्तम है, और जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। मैंने कहा उसके पास सब कुछ है, आमेन, हालेलुया।